तो लो आ गया मैं नए सर्वाइवल सीरीज के नए वर्ल्ड में। तो सबसे पहले हम लोग वुड लेंगे और वुड लेके वुड के टूल्स बनाएंगे, जो कि हम हर सर्वाइवल सीरीज में करते हैं। अब हमारे वुडन टूल्स बन चुके हैं, तो अब हम लोग शीप को ढूंढेंगे ताकि हमें वूल मिल सके और हम उससे बेड बना सके। और बेड बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं पहले ही दिन सर्वाइवल सीरीज में मरना बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि तुम लोगों को मेरे स्किल्स के बारे में तो पता ही है। तो चलो शीप्स ढूंढते हैं। ये एक, ये दो और ये तीन। अब हमें वूल मिल चुकी है, तो अब एक डायरेक्शन में हेड करते हैं ताकि हमें कोई विलेज मिल सके, ताकि हम वहां पे अपना घर बना सके और आराम से रह सके, ताकि ट्रेडिंग भी इजी हो जाए और हमें दूर से विलेजर्स लाने की जरूरत ना पड़े। बस आई होप कि हमें विलेज मिल जाए। चलते चलते हमें विलेज तो नहीं मिला है, लेकिन सामने मुझे एक केव दिख रही है, तो जल्दी से चलते हैं और अपने वुडन टूल्स को अपग्रेड करते हैं स्टोन टूल्स में। और साथ ही साथ एक फर्नेस भी बना लेंगे ताकि हम अपने फूड को कुक करके खा सके। तुम लोग जानते हो उससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जो कि हमें तब तक हेल्प करेगी जब तक हम लोगों को विलेज नहीं मिल जाता। यार इतने देर से चल रहा हूँ और मुझे विलेज अभी तक नहीं मिला है, और साथ में शाम होने लगी है, तो जल्दी से बेड बना लेते हैं ताकि कम से कम एक सेफ्टी तो हो ही जाए कि मैं बच सकूं। तो गुड मॉर्निंग, हमारा पहला दिन खत्म हो चुका है और दूसरा दिन भी स्टार्ट हो चुका है। आज भी हम विलेज को ही ढूंढेंगे, और अगर आज भी हमें विलेज नहीं मिलता है तो हम तीसरे दिन जहां पर भी होंगे वहां पे ही अपना हाउस बनाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे पूरे 25 डेज सिर्फ विलेज ढूंढने में ही निकल जाए। और ये दूसरा दिन भी लगभग खत्म होने वाला है, तुम देख सकते हो रात होने वाली है, तो हम लोग यहीं आसपास रुकेंगे और यहीं पास में ही अपना कहीं हाउस बनाएंगे जहां पे हम रह सके। और अपनी इसी बात को याद रख के मैंने तीसरे दिन से हाउस बनाने के लिए वुड इकट्ठा करना शुरू किया। सबसे पहले मेरे को ओक वुड मिली, साथ ही साथ वहां पे बिर्च वुड भी थी, मैंने उन दोनों को लिया। और साथ में मेरे को थोड़ी दूर पे जंगल दिख गया, जहाँ पे हम लोगों को जंगल वुड्स और बैम्बूज भी मिल गए। इन सारी वुड और बैम्बूज के साथ मैं वापस आया, लेकिन साथ ही साथ मैं सैपलिंग भी ले आया ताकि अगर मुझे वुड की जरूरत पड़े तो मैं उन्हें ग्रो करके उनसे वुड ले सकूं और मुझे बार बार इतनी दूर ट्रैवल ना करना पड़े। और वुड की ग्राइंडिंग करने के बाद मैं पहुंचा एक ऐसी जगह पे जहां पे हमें बहुत सारा स्टोन मिल सके, ताकि अगर मुझे अपने हाउस को क्रिएट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना हो तो उसके लिए हमारे पास इनफ स्टोन होना चाहिए। और साथ ही साथ मैंने थोड़े एक्स्ट्रा स्टोन्स लिए, ताकि हमें स्टोन टूल्स बनाने के लिए हमें स्टोन्स की जरूरत पड़ेगी और उसको लेने के लिए हमें वापस यहाँ आना ना पड़े। और अब बारी थी उस स्पेस को फ्लैट करने की जहां पे हमारा हाउस बनने वाला है। और फिर 11वें दिन जब मैंने पूरा एरिया फ्लैट कर लिया, तो मैंने डिसाइड किया कि हम अपने हाउस में बिल्कुल भी कोबलस्टोन का यूज नहीं करने वाले हैं, सिर्फ वुड से ही हम लोग उस हाउस को पूरा कंप्लीट करेंगे। और फिर बनाना स्टार्ट किया मैंने अपना स्टार्टर हाउस।
और फिर मुझे 17वें दिन पे याद आया कि हमें ग्लासेस की जरूरत भी पड़ेगी, इसलिए मैं गया आसपास से थोड़ी बहुत सैंड इकट्ठा करने। और ये कंप्लीट 20वें दिन, आज मेरा पूरा का पूरा हाउस कंप्लीट हो चुका है और थोड़ी बहुत डिटेल्स देना बाकी है, यानी कि हम लोग फेंसेस, कैंप फायर और साथ ही साथ लीव्स का यूज करेंगे उन डिटेल्स को देने के लिए। और हम लोगों ने ग्लास पेन भी क्रिएट कर लिया है, तो जल्दी से चलते हैं, इन ग्लासेस को भी लगाते हैं अपनी विंडोज में। और विंडोज के पास हम लोगों को लगाना है ग्रास ब्लॉक, तो हम लोग जल्दी से डर्ट को लगा देते हैं और उसको पास वाली ग्रास ब्लॉक से कनेक्ट कर देते हैं ताकि जो ग्रास है वो स्प्रेड हो जाए इन डर्ट्स पे भी। और अब हम लोगों को यहाँ पे कंपोस्टर और उसके ऊपर कुछ लीव्स इस तरह से लगा दी रही है, ये हम हर विंडो पे करेंगे, तो मैं जल्दी से करके आता हूँ। अब हम लोगों को इन जो डोर्स लगे हैं उसके आगे ट्रैप डोर्स लगाना है, तो मैं लगा देता हूँ। और जो जहां जहां पे हम लोगों ने स्प्रेड होने के लिए अलग से डर्ट लगाई हुई है वो भी हम लगी रहने देंगे, और उसके बाद जब ग्रास स्प्रेड हो चुकी होगी तो हम सारे के सारे एक्स्ट्रा डर्ट को हटा के वहां पे ट्रैप डोर जहां जहां पे लगने हैं उसे लगा देंगे। तो फाइनली मेरा घर भी कंप्लीट हो चुका है और हमारे 25 डेज भी कंप्लीट हो चुके हैं, तुम लोग साइड में देख सकते हो। और ये आज 26वां दिन चल रहा है, तो मैंने 25 डेज कंप्लीट कर लिए। और तुम लोग जल्दी से बताना कि मेरा ये जो पीछे वाला हाउस है ये कैसा लग रहा है, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी बनाया है और स्टार्टर हाउस है, तो हो सकता है कुछ अच्छा भी बनना हो इसके बाद।
लेकिन उससे पहले हमें बहुत ग्राइंड करना पड़ेगा इस सर्वाइवल सीरीज में। और अगर तुम लोगों को मेरा हाउस अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दो, और साथ ही साथ मुझे लिख के भी बताना कि कितना तुम्हें अच्छा लगा है और क्या क्या चीजें मैं चेंज कर सकता हूँ इस हाउस में ताकि और ज्यादा ब्यूटीफुल लगे। तो मिलते हैं फिर अगले 25 डेज लेकर। बाय बाय।